तो अभी फटाफट से इस ब्लॉग का एंड करते हैं, सोते हैं और कल मिलते हैं सुबह नए ब्लॉग में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय टुडेज ब्लॉग। तो अभी का सीन ये था कि वही सेम बच्चे चले गए स्कूल, है ना, और मैं थोड़ा सा लेट उठा था, मैं स्नूज करके सो गया था। मैं उठा 8 बजे के करीब और अब मैंने नहा लिया है, रेडी हो गया है और अब ब्रेकफास्ट है मेरे सामने। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, परांठा विथ दाल एंड टी। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं गाड़ी में, गाड़ी में मिलते हैं। हे गाइस, तो अभी का सीन ये कि मैं निकल गया घर से, ब्रेकफास्ट कर लिया था, अब जा रहा हूँ ऑफिस। और फिर आज बस फ्राइडे है, आज फटाफट से काम निपटाना है और फिर 2 दिन की छुट्टी है ना। चलो जी, फटाफट से ऑफिस पहुंचते हैं, काम शुरू करते हैं। और आज भी क्रिटिकल एक काम है, वो जो रात को मैंने बात की थी कस्टमर के, वो एक कस्टमर है हमारा जो काफ़ी अच्छा कस्टमर है, तो उनका कुछ अर्जेंट काम है, वो होना ज़रूरी है। काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है हमारे साथ। चलिए फटाफट से पहुंचते हैं और फिर मिलते हैं एज पर द कन्वीनियंट टाइम। आज फ्राइडे है तो रात को पक्का कहना कि जाना है हम लोगों को, या तो बाहर खाना खाने जाएंगे या मूवी के लिए जाएंगे, जैसा भी होगा विल अपडेट यू, विल टेक यू अलॉन्ग। चलो फटाफट से मिलते हैं, फटाफट से चलते हैं। मैं बीच में से बोल जाता हूँ, कुछ बोलना कुछ होता है बोल कुछ और जाता हूँ ना। तो आप लोग भी शरीफ हो बेचारे, आप भी सुनते रहते हो, कमेंट करके बोलते हो भाई तूने गलती कर दी यहाँ पे। मैं ठीक है यार, जो बोल दिया बोल दिया, बता दिया करो, कमेंट कर दिया करो। मैं अच्छा, आप ना आपसे कमेंट कर दो कि आज तूने यहाँ गलत बोला, तूने ये चीज़ गलत बोली, तूने ये चीज़ सही करी, कुछ ना कुछ कमेंट करके बताओ, सो दैट मैं इम्प्रूवमेंट तो करूँ। नहीं तो मैं बोली जाऊँगा, आप लोग सुन ही जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। चलो फिर जल्दी से पहुँचते हैं ऑफिस और काम शुरू करते हैं। किसका बैग है ये? आपका है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? आपको तो शर्म आ रही है, नाम तो बता दो। ये लो, अच्छा ये लो ले लो जी, लो जी ले लो। आपका नाम बताओ फिर। गुस्सा काका नाम है आपका? अच्छा और ले लो, और ले लो, और ले लो, ये भी ले लो, क्या दिक्कत आ रही है? ये भी ले लो, अब थैंक यू बोलो, अब थैंक यू तो बोलो। What is my guys? Know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want one? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your body fall off into pieces. And... टाइम हुआ है 7:30 और अब निकल गए हम ब्रांच से, जा रहे हैं घर। फाइनली 2 दिन की छुट्टी, माइंड रिलैक्स। और इस टाइम छुट्टी में कोई ज़्यादा खास काम भी नहीं है, छोटे मोटे काम हैं वो कर लेंगे, रिलैक्स करेंगे इस बार, फुल रिलैक्स करेंगे। कोई काम ज़्यादा नहीं करेंगे, अपने आप को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करेंगे काम करने के लिए। तो बस अब फटाफट से घर पहुँचना है, चाय पीनी है और इसके बाद एज आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग कि आज फ्राइडे है तो कुछ ना कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने, फूडी हब।
जहाँ मैं लास्ट टाइम वो मेरे कली का बर्थडे था तो हम लोग वहाँ पे गए थे पिज़्ज़ा खाने, वहाँ का पिज़्ज़ा अच्छा था एंड दे ऑल आर पिज़्ज़ा लवर, समटाइम्स मी टू, वी ऑल फोर आर पिज़्ज़ा लवर एक्चुअली। तो बस फटाफट से आज वहाँ जाते हैं, पिज़्ज़ा खाएंगे, इनको वहाँ वाली पिज़्ज़ा एक्सप्लोर करवाने हैं, इनको नए पिज़्ज़ा हैं, अच्छे पिज़्ज़ा हैं, और बस वहाँ चलेंगे, फिर आप लोगों से बात करेंगे, पहले चाय पियेंगे घर जाके, आप लोगों से बात करेंगे फिर। सॉरी फिर आप लोगों को लेके चलेंगे साथ में फूडी हबी, फूडी हब, सॉरी फूडी हबी नहीं, फूडी हब। एंड हाँ, बच्चों के लिए मैंने कुछ मंगाया था, वो सरप्राइज है तीनों के लिए, बच्चों के लिए तो है, शिल्पा के, शिल्पा के लिए भी सरप्राइज है, क्योंकि मैंने उसको भी नहीं बताया था, बिकॉज मैं उसको बताता तो वो शायद मुझे मना कर देती, नहीं मंगाने देती। सो लेट्स सी तीनों का क्या रिएक्शन होता है और तीनों क्या उस पर, तीनों का हाँ ये कर लो पहले रिएक्शन देखते हैं और क्या होता है वो कमेंट्स, रिएक्शन एंड कमेंट्स क्या आते हैं उस सरप्राइज को देख के। चलो तो फटाफट से पहुँचते हैं घर और आगे का जैसे भी स्ट्रेटेजी अभी तक की है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। सो गाइज अभी घर आ गए थे, घर आके चाय पी ली और अब वो है क्या जो बच्चों के लिए सरप्राइज गिफ्ट मंगाया था उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसमें आज हेल्प करिए शिल्पा, क्योंकि ये दोनों क्या करूँगी मैं करूँगी, इसलिए हम लोग शिल्पा कर रही है अनबॉक्सिंग। ये मैंने मंगाया है अमेजन से और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, मैंने एक दो लोगों को यूज करते हुए देखा तो मैंने मंगाया। मजे की बात यह है कि शिल्पा के लिए भी, उन्होंने रास्ते में बताया आपको कि शिल्पा के लिए भी सरप्राइज है, क्योंकि इसको ऐसी चीजें पसंद नहीं आती है, इसके हिसाब से ये मेरे साथ। हाँ तुम दोनों को पसंद आएगा, तेरे हिसाब से ये फिजूल खर्ची हो सकती है। तो मैं अच्छी लड़की हूँ ना, मैं फिजूल खर्ची नहीं करती। नहीं चलो अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, फिजूल खर्ची नहीं है, बच्चों की खुशी है जिसमें नुकसान नहीं है, गर्वित के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा गर्वित के से किसी एक चीज के लिए। सो फाइनली सरप्राइज रिलीव रिवील होने वाला है, दिस इज इलेक्ट्रिक ब्रश। एक मिनट, ब्लू, दोनों ब्लू, दोनों सेम कलर है। हाँ तो दो। सो ये है ओरल बी के इलेक्ट्रिक ब्रशेस, इससे हमारे भाई साहब सुबह उठ के दिल से ब्रश करेंगे, वरना इनको हमें मोटिवेट करना पड़ता भाई ब्रश कर ले। चलो तो गाइस सरप्राइज वाला काम हो गया, अब हम जा रहे हैं बाहर पिज्जा खाने फूडी हब पे। मैंने आते हुए ना आते बता रहा था हम फूडी हब पे जाएंगे पिज्जा खाने, मैंने बोल दिया फूडी हबी पे फूडी हब पे जा रहे हैं, फूडी हबी नहीं है। हाँ फूडी वाइफ भी और फूडी फूडी किड्स हैं, किड है फूडी हबी नहीं। तो फटाफट से वहाँ पहुँच रहे हैं फूडी हब। चलो आपको आप सीधा वेन्यू पे पहुँच के कनेक्ट करते हैं दोबारा से। तो गाइस आज हम फिर आए हैं फूडी हब, तो ये आई लव फूडी हब का एम्बियंस मैं आज आपको दिखाता हूँ आराम से। वैसे ये यहाँ की डेकोरेशन है, ये यू कैन सेट हियर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये है थोड़ा सा अपर लेवल चेयर्स, इनका मेन्यू बहुत नॉमिनल, बहुत रीजनेबल ये मेन्यू है इनका, और लगी हुई है ये यहाँ की डेकोरेशन है, ये यहाँ की सारी डेकोरेशन। आप लोग अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ विजिट कर सकते हो, अच्छी जगह है, टेस्ट भी अच्छा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है तभी मैं फैमिली को लेके आया हूँ आज। ठीक है तो ये है इसका पूरा एम्बियंस और अब आपको दिखाते हैं यहाँ का पिज्जा। पिज्जा हमने ऑर्डर किया है बर्गर रैप और पिज्जा, पहले आपको बर्गर और रैप दिखाते हैं। सो ये है
पनीर रैप एंड आलू टिक्की बर्गर। पनीर रैप की फीलिंग तो आपको यहाँ से दिख रही होगी और ये टेस्टी भी होता है। बर्गर प्राइस भी बहुत नॉमिनल है, बहुत रीजनेबल है। बर्गर का दिखा दें, बर्गर का साइज भी अच्छा है, ग्रिल्ड है। और अगर आपको इसकी अंदर दिख रहा हो, हमने बर्गर फाड़ दिया, इसकी अंदर टिक्की ढूंढ रहे हैं, फीलिंग्स हैं, बर्गर की फीलिंग्स दिखा रहे हैं हमको, फीलिंग्स। टिक्की है सर, है सर, है। मकेन वाली टिक्की लगी है। अच्छा, तो अब करते हैं इसको टेस्ट। सो गाइस, अभी यहाँ पे मैं आपको यहाँ के एक सर से मिलवाता हूँ, यहाँ के स्टाफ हैं, स्टाफ है ना, हाँ स्टाफ हैं। तो इंडिया से पूछते हैं यहाँ का क्या रिव्यू है लोगों का, क्योंकि हम लोगों को पिज्जा बहुत पसंद आया था, तो मैं यहाँ पे इनसे बात कराता हूँ। तो ये है सर, आपका नाम क्या है? हरनेक सिंह। हरनेक सिंह नाम है इनका। तो कब ओपन हुआ था सर ये? लास्ट दिसंबर 22 को हुआ है। अच्छा, तब से लेके अब तक यहाँ पे जो हमारी लोकल है उनका रिव्यू बहुत अच्छा है। और मेन हमारा पिज्जा है, जो पिज्जा बेस है। अच्छा, उसके रिगार्डिंग कस्टमर बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। हैंडमेड डो है आपका? हैंडमेड डो है, कोई हम मतलब की मार्केट से नहीं लेते, वही इसीलिए आपका टेस्ट आना है। तो मेरे को भी वही चीज अच्छी लगी थी इसका, ये टेस्ट आपका उसका अच्छा था पिज्जा का, इसलिए मैं फैमिली को लेके आता हूं। तो अगर आपको अभी आपने खाया है यहाँ पे, आप मेरे से बेटर बता सकते हैं कि यहाँ का टेस्ट क्या है? बहुत अच्छा लगा था, तभी मैं फैमिली को लेके आया। मतलब भाई जी सर, अभी आपने हमारा जो अभी एक रैप खाया, एक बादल टिक्की बन गई है, अभी पिज्जा बाकी है, उसको टेस्ट करके फिर दोबारा बताना हमें भी कैसा लगा। श्योर श्योर ठीक है सर, थैंक यू। तो ये थे यहाँ के स्टाफ। तो अभी हमने इनका रैप और वो खाया था बर्गर, आलू टिक्की बर्गर खाया था, उन दोनों का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो अब पिज्जा खाते हैं, फिर उसका आपको बताते हैं फीडबैक। मैं पहले खा के गया था अपने ऑफिस कलीग्स के साथ, अच्छा लगा था, तो ही मैं आज फैमिली को लेके आया हूँ। तो अब पिज्जा आएगा तो आज का बताते हैं कैसा टेस्ट है, अच्छा ही होगा। ऑप्शो ठीक है जी। सो आर पिज्जा इज आर हेयर, ये है पनीर, या दिस इज स्पाइसी पनीर एंड दिस इज फार्म स्पेशल पिज्जा। तो चलो अब दोनों टेस्ट करते हैं और आपको रिव्यू बताते हैं। ओह वाव, लुक एट द चीज, ओह वाव। दूसरा पीस ले ले बेटा, दूसरा। दिस इज फार्म फ्रेश, ना फार्म लेवल, बहुत बढ़िया। सी गाइस, इसमें से धुआं भी निकल रहा है। सो गाइस, अभी का सीन ये था कि हम लोग जब पिज्जा खा के आ गए थे, उसके बाद हमने पी कॉफी, और कॉफी के बाद हम लोगों ने देखा बिग बॉस। और अब मैं बस कर रहा हूँ इस ब्लॉग का एंड, क्योंकि एडिट करके अपलोड भी करना है, और कल सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, तो हमें जल्दी उठना है, फिर गर्वित को डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसकी तबीयत वगैरह थोड़ी ठीक नहीं थी, और कल छोटे मोटे काम है, ज़्यादा नहीं है, तो बट सुबह टाइम से उठना है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। तो अभी फटाफट से इस ब्लॉग का एंड करते हैं, सोते हैं, और कल मिलते हैं सुबह ब्लॉग में। कल तैयार हो गया था, कल मिलते हैं का मिक्सर हो गया। तो कल मिलते हैं, कल सुबह मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय।